ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्यात्मिकानो श्रवानां नाम संकीर्तनच्छामे अजविनार्य संगेन निराहं क्रियाय तथा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाख्य चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सग्राजतं सहागना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहागना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हम जब हाथ ऊपर उठाते हैं हरेक नाम बोलते हुए हम इसके द्वारा भगवान से भीख मांग रहे हैं उनकी दया के लिए आशीर्वाद के लिए। जिस प्रकार द्रौपदी ने पहले तो प्रयास किया था अपनी लाज को बचाने के लिए, हाँ कोशिश किया था साड़ी को पकड़ने के लिए, फिर उसने देखा जब यह संभव है तो हाथ ऊपर उठाकर उसने क्या कहा, अभी मेरा आदर आपके हाथ में है। अध्यात्मिका नुश्रवानान नाम संकीर्तन अच्छा में अज विनार्या संगे ना क्रियाया तथा। तो इस अध्याय में भगवान कपिल जी के द्वारा भक्ति की व्याख्या हो रही है। इस अध्याय के आरंभ में देवहूति ने भगवान से कहा और गहराई से मुझे समझाइएगा भक्ति के क्या सिद्धांत होने चाहिए। एक रूप से तो भक्ति और भगवान के विषय में ज्ञान आप दो तीन श्लोकों में प्राप्त कर सकते हो, पर भागवत में 18,000 श्लोकों का उपयोग किया गया है, गीता में 700 श्लोकों का उपयोग किया गया है और इन दो ग्रंथों के अलावा लाखों लाखों और ग्रंथ हैं और श्लोक हैं जिनके द्वारा केवल इसी विषय का ज्ञान हमें मिलता है। तो भगवान कपिलदेव क्या कह रहे हैं, ये जो उपदेश दे रहे हैं ये आपके लिए और हमारे लिए है। खास करके इस श्लोक का जो तात्पर्य है, इन तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत शक्ति डाली है, समझना सरल बना दिया है। जैसे मैंने आपको कहा है पहले, प्रभुपाद जी जब इन तात्पर्यों को डिक्टोफोन में डिक्टेशन देते थे, एक एक शब्द को बोलने से पहले वो सोचते थे दो दो तीन तीन मिनट, एक एक शब्द दो तीन शब्द बोलते थे फिर रुक जाते थे, दो तीन शब्द बोलते थे फिर रुक जाते थे। तो एक समय भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी आप इतने धीमे धीमे क्यों तात्पर्य का डिक्टेशन देते हो। प्रभुपाद ने कहा कि हर शब्द जो इन तात्पर्य में मैं डाल रहा हूं
उन्हें लोग 10,000 साल तक पढ़ेंगे। तो बड़े सोच समझ कर हर शब्द लिखा गया। जैसे कि आप कोई वकील से कोई एग्रीमेंट कराओ तो बहुत सोच समझ कर बार बार पढ़ते हो, कोई गलत शब्द तो बीच में नहीं आ गया। तो इसी प्रकार बड़े ध्यान से प्रभुपाद जी ने गहराई से इन श्लोकों को समझाया है। तो कहते हैं सबसे पहले कपिल देव भगवान, भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने। तो यह है सबसे पहला आदेश, क्या आध्यात्मिक बात ही सुनो। हाँ, भौतिक बातों से दूर रहो। इसीलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं प्रज्वल्प न्याम आग्रह, प्रज्वल्प से भक्ति जो है नष्ट हो जाती है। तो आप कहोगे स्वामी जी हम तो दफ्तर भी जाते हैं, वहां तो हमें भौतिक विषयों का की चर्चा करनी पड़ती है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप, जैसे आप समझो कोई विद्यार्थी हो या दफ्तर जाते हो, धंधा करते हो, अवश्य ही उन स्थितियों में आपको भौतिक चर्चा भी सुननी पड़ेगी, पर आवश्यकता से अधिक नहीं सुनो, जितना अवश्य हो उतना ही। और मन के द्वारा सदा भगवान का चिंतन करते जाओ। जैसे भगवद गीता के 8वें अध्याय का जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि तुम मेरे लिए युद्ध भी लड़ो और मन के भी द्वारा मेरा चिंतन करो। तो समझो आप ऐसी स्थिति में हो जहां की आपको भौतिक चर्चा सुननी पड़ती है, पर मन के द्वारा भगवान का स्मरण करते रहो। और मन के द्वारा यही सोचते रहो कि ये कार्य आप कर रहे हो भगवान की प्रशंसा के लिए। तो भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने। जो भक्त मंदिर में रहते हैं के लिए तो ये लागू करना ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, क्योंकि भौतिक विषयों में हमारी कोई रुचि नहीं लेनी होनी चाहिए, भौतिक चर्चा नहीं, भौतिक कार्य नहीं। इसलिए हम लोग फिल्में नहीं देखते, भौतिक विषयों को नहीं पढ़ते, क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने में कुछ सहयोग नहीं होगा। रूप गोस्वामी जी ने कहा है उस कार्य को त्यागो जिसके द्वारा भक्ति में अड़चन आए, और इसे स्वीकार करो जिसके द्वारा भक्ति में सहयोग हो। तो वो कहते हैं भक्त को चाहिए कि आध्यात्मिक बात ही सुने और अपने समय का सदुपयोग भगवान के पवित्र नाम के जप में करे। तो भगवान कह रहे हैं अपने समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग करना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। चाणक्य पंडित जी ने तो इस विषय पर कहा है, आयुष्य कशन एक पीना लभ्या स्वर्ण कोटि भी। क्या एक पल का भी अगर दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से उसे आप वापस नहीं ला सकते। गरीब व्यक्ति धनी बन सकता है, रोगी व्यक्ति सुखी बन सकता है, पर समय का जब दुरुपयोग किया जाए तो आप सारे विश्व के धन से आप किसको नहीं कह सकते मेरा जो 2 घंटे मैंने बर्बाद कर दिए थे सिनेमा देखने में, वो 2 घंटे मुझे वापस चाहिए, ये लो 2 लाख रुपए, नहीं आप कभी वापस नहीं ला सकते। तो समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्यों? भक्ति समझता है समय भी भगवान का प्रतिनिधि है और भगवान हर चीज के स्वामी हैं। तो कहते हैं कपिल देव उनके पवित्र नाम का जप करो। तो इस विषय में तो कुछ शंका नहीं होनी चाहिए कि भगवान के नाम बिल्कुल पवित्र हैं और हर स्थिति में वो पवित्र रहेंगे भगवान के नाम, और उनके नामों के उच्चारण से हमारा अपवित्र अशुद्ध हृदय भी शुद्ध बन सकता है। तो भगवान के पवित्र नामों का जप करो। कई बार भक्त सोचते हैं 16 माला का जप हो गया बस, अब और जप करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, गीता में भगवान कहते हैं सततम कृतयंतो माम। सततम उसका क्या अर्थ है? निरंतर। हाँ, निरंतर, सदा सदा मेरा जाप करो। भगवान के जाप क्योंकि पवित्र हैं, आप जाप करने से कभी थकते नहीं। जो व्यक्ति ये कहे कि मैं थक गया हूं भगवान का जाप करके, तो उसका मतलब है कि उसके हृदय बहुत ही काला है। भगवान का जप करने से हमने कभी थकते नहीं है।
16 माला का जाप का तो नियम है कि 16 माला तो हमें सावधानी से करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, चलते हुए लेटे हुए किसी स्थिति में भी अब जाप करो। और वो तो जाप दफ्तर में भी कर सकते हो, हंसते भी कर सकते हो, हरे कृष्णा काम करते करते भी कर सकते हो, ये तो आदत की बात है। प्रयास करोगे तो आदत पड़ जाएगी, और कभी जब आदत पड़ जाए तो अगर आप ऐसी स्थिति में भी हो, समझो आपको भौतिक धंधा भी कर रहे हो पर मन से आपका जप चलते रहेगा। पर वैसे नहीं कि आप कहो कि आप मन से ही जप करते हैं और जीभ से नहीं करो। जैसे कई बार तो लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हम तो जप करते हैं, हाँ मन मन ही मन में करते हैं, नहीं वैसे नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि उनके पवित्र नाम का जप करो। देवहूति ने कहा कि आप मुझे वो ज्ञान दो जिसके द्वारा हम सब सुखी हो सके। तो भगवान उस विषय पर ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि उनके पवित्र नाम का जप करो। आगे उसका आचरण सरल हो। हमें आध्यात्मिक विषयों के बारे में सुनना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, और जो हमारा आचरण है वो सरल होना चाहिए। सरल का क्या अर्थ, असल में इस अनुवाद में उन्होंने एक शब्द में दो विचारों को डाल दिया है, पर अंग्रेजी में अनुवाद में है He should always be straightforward and simple. तो इन दो शब्दों को उन्होंने एक में डाल दिया है सरल। भक्त है उसका जो आचरण है, एक तो उसको बिल्कुल स्पष्टवादी होना चाहिए। ये नहीं चाहिए कि हम कहें कुछ और सोचें कुछ। भक्त को खास करके भक्तों के व्यवहार के साथ बिल्कुल स्पष्टवादी होना चाहिए। अगर आप गलती भी कर लो तो उसे स्वीकार करो, छुपाने की कोई बात नहीं है। तो भक्त का व्यवहार जो है, खास करके जब भक्तों से, अभी भौतिक दुनिया में आपको थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़े क्योंकि दूसरे व्यक्ति उनकी उनके विचार उनका उद्देश्य बिल्कुल अलग है। पर जो शास्त्र पर निर्भर जीवन बिता रहा है उसे स्पष्टवादी होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्टवादी प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब आप स्पष्टवादी होते हो तो आप अधिक मात्रा में भगवान पर निर्भर रहते हो। जब आप चापलूसी वगैरह करते हो तो आप अपनी बुद्धि पर निर्भर रहते हो, ठीक है ना। आप सोचते हो कि आपके हाथ में कुछ है। जब आप स्पष्टवादी हो गए तो अगर आपने गलती भी की है तो आप ये समझ लोगे कि मैं भगवान पर निर्भर रहना चाहता हूं। अगर भगवान की इच्छा कि मुझे कोई दंड भुगतना पड़े तो भुगत लूंगा, उसमें क्या। हाँ, जब गलती करते हैं तो दंड भुगतना भी अच्छा ही है एक रूप से। तो भक्त को स्पष्टवादी होना चाहिए। ये है भगवान कपिल देव का उपदेश। आखिर हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये जो उपदेश है ये भगवान कपिल देव दे रहे हैं। अर्जवेना, तो अर्जवेना का अर्थ है स्पष्टवादी। आगे सिंपल, सादा जीवन, सरल सादा होना चाहिए। और आगे ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। बड़ा अच्छा उपदेश है, हर श्लोक में अच्छा उपदेश है, पर कई श्लोकों के उपदेश को हम सरलता से हमारे चरित्र में अपना सकते हैं, हमारे व्यवहार में अपना सकते हैं। तो भगवान कपिल देव कह रहे हैं ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। ये जो ईर्ष्या है ये बहुत गहरी बीमारी है। इतनी गहरी बीमारी है कि आप सरलता से समझ भी नहीं सकते कि आपको ये बीमारी है। बीमार होते हुए आप समझ नहीं सकते कि आप बीमार हो। हाँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम भौतिक संसार में क्यों हैं? ईर्ष्या के कारण। कृष्णा भाई मुखा ना भोग वंचा करे निकातस्ता माया तरे झपत्य धरे। सबसे पहले तो ईर्ष्या होती है हमारी भगवान के प्रति। क्यों? हम ये सोचते हैं भगवान को हर चीज की भोगता नहीं होना चाहिए। उस ईर्ष्या के कारण हम यहां आते हैं। जो मायावादी हैं वो भगवान के दिव्य रूप की ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए कहते हैं भगवान तो निराकार है, भगवान का रूप है ही नहीं, भगवान सच्चिदानंद विग्रह हो ही नहीं सकते,
वो भी एक प्रकार का की ईर्ष्या है। क्यों? वो सोचता है कि हम जब हमारे इंद्रियों से कुछ नहीं कर सकते, भगवान कैसे कर सकते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो साकार हैं और उनका जो रूप है वो दिव्य है। फिर भक्तों के प्रति भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ये अगर किसी भक्त को हम देखते हैं कि वह हमारे से ज्यादा बेहतर अधिक सेवा कर रहा है, तो ईर्ष्यालु होने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो किसी और के त्याग को देखकर यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी उसी के समान आगे बढ़ सके त्याग के क्षेत्र में। गोपियों का जो उदाहरण है उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। गोपियों के उदाहरण में हमने क्या देखा कि गोपियों में आध्यात्मिक ईर्ष्या है, भौतिक ईर्ष्या नहीं। प्रभुपाद जी आध्यात्मिक ईर्ष्या का हमें उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण है कि जब आप देखते हो कि एक व्यक्ति, जैसे गोपियों में जब ललिता देखती है कि विशाखा अधिक मात्रा में सेवा कर रही है, तो ललिता की क्या भावना होती है कि मैं भी अपनी सेवा को बढ़ाऊं। तो वो अपनी सेवा बढ़ाती है और फिर आगे ललिता जब सेवा बढ़ाती है तो उसका उदाहरण देखकर फिर विशाखा भी अपनी सेवा बढ़ाती है। इस प्रकार गोपियों में, चंद्रवाली और राधानी में भी इसी प्रकार की आध्यात्मिक ईर्ष्या रहती है और अंत में चाहे राधा रानी की जीत होती है। हाँ, तो कपिला देव भगवान कह रहे हैं आध्यात्मिक बात हमें सुनना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, आचरण हमारा स्पष्टवादी होना चाहिए, जीवन हमारा सरल होना चाहिए और हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए क्या कि ईर्ष्यालु भावना हमारी नष्ट हो जाए। हमारे परिश्रम से तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, पर अगर हम श्रद्धा के साथ प्रयास करेंगे तो फिर भगवान की दया से, गुरु की दया से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु जी के विषय में कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि उनके शरणागत होने के द्वारा अंधा व्यक्ति भी देख सकता है, गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ों के पार जा सकता है, बहरा व्यक्ति सुन सकता है। दूसरे शब्दों में हर प्रकार की समस्या को हल कर सकते हो। कई बार भक्त कहते नहीं, ईर्ष्या की समस्या बहुत गहरी है, पर प्रयास करने से ये संभव है। आगे भगवान कपिल देव क्या कहते हैं, वो सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए, तो सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। तो अभी सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होने का ये अर्थ नहीं कि आप हर प्रकार के भक्त की संगत रखो। देखो भगवत का उपदेश कितना तेज है। एक तरफ से तो कपिला देव भगवान कह रहे हैं सबों के प्रति मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, आगे साथ में ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचे जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। समझ गए, सबके प्रति मैत्रीपूर्ण होना चाहिए पर उनकी संगत से बचना चाहिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं है। रूप गोस्वामी जी श्री उपदेशामृत में इस विषय के ऊपर सातवें श्लोक में कहते हैं कि जो भक्त है मन से आदर देता है हर व्यक्ति को जो हरि नाम का जाप करता है। जो व्यक्ति भी हरि नाम का जाप करे उसको मन से वो आदर देता है, इज्जत करता है, पर संगत लेता है उसकी जो कि नियमों का पालन कर रहा है और सेवा करता है उस व्यक्ति की बड़ी निम्रत भावना से,
जिसके जो बिल्कुल लीन है भगवान के सेवा में और जो ईर्ष्यालु नहीं है। तो कपिला देव भगवान कह रहे हैं कि सबके प्रति मैत्रीपूर्ण होते हुए भी जो सबसे पहले हमें मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, तो ये मैत्रीपूर्ण व्यवहार हम आरंभ करते हैं भक्तों के साथ, एक दूसरे के भक्तों के साथ हमें बिल्कुल मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। चाहे हम राजा हो, चाहे हम जीबीसी हो, गुरु हो, सन्यासी हो, टेंपल प्रेसिडेंट हो, या हम नए भक्त हो, हम सबको एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार में हम दूसरों को ठीक नहीं कर सकते। मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ कई बार कड़की भी करनी पड़ती है, पर अक्सर व्यवहार जैसे भगवान कपिला देव कह रहे हैं हमें मैत्रीपूर्ण रखना चाहिए एक दूसरे के साथ। और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे तो मंदिर का वातावरण बहुत ही सुंदर रहेगा, वैष्णव का जो संबंध है बहुत ही गहरा रहेगा, और भक्ति का जो पूरा आनंद हम उठा सकेंगे। अब इस श्लोक, अभी तक तो हमने आपको केवल वही विचार सुनाए हैं जो कि कपिला देव भगवान ने स्पष्ट रूप से इस श्लोक में बताया। अभी प्रभुपाद जी आगे क्या कहते हैं, आध्यात्मिक बोध में अग्रसर होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में प्रमाणिक स्रोतों के श्रवण करना चाहिए। यह है पहला पॉइंट प्रभुपाद जी का तात्पर्य में कि प्रमाणिक स्रोतों से श्रवण करना चाहिए। कई बार हमारे भक्तों में भी मैं ये कमजोरी देखता हूँ कि अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी वो कथा में चले जाते हैं, वो कथा में चले जाते हैं, इधर स्थान चले जाते हैं, उस स्थान चले जाते हैं। नहीं, हम लोग इस कौन संस्था में ग्रंथों के विषय में प्रापस के ग्रंथों पर निर्भर रहते हैं और प्रमाणिक स्रोतों के द्वारा हमें आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना चाहिए। प्रमाणिक स्रोतों के द्वारा आपको असली संदेश मिलेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। जैसे कि आप जब कुछ दाम कोई वस्तु खरीदने जाओ तो आप बड़ी कंपनी का पहले खरीदते हो। हाँ, क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि बड़ी कंपनी का माल है तो इसमें धोखेबाजी कम होगी, हाँ असली माल मिलने की संभावना है। तो प्रमाणिक स्रोतों के द्वारा आपको असली उपदेश मिलेगा, इसलिए प्रमाणिक स्रोतों के द्वारा ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें अनुकूल करना चाहिए। आगे आध्यात्मिक जीवन की वास्तविकता समझने के लिए कठोर अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए। तो हमें कठोर अनुष्ठानों का से भय नहीं रखना चाहिए। लोगों को आध्यात्मिक जीवन भी चाहिए आज, और नियम इत्यादि नहीं चाहिए। हाँ, नियम इत्यादि नहीं। लोग ब्राह्मण भी बनना चाहते हैं, ब्राह्मण जनेऊ भी चाहिए, पर जब उनसे कहा जाता है कि ब्राह्मणों के गुणों को अनुकूल करो, ये सब विधि विधानों का पालन करो, तो उसमें वो इनकार कर देते हैं। तो कठोर अनुष्ठानों का पालन, आरंभ में ये अनुष्ठानों कठोर दिखते हैं, प्रयास करने से वो सरल बन जाते हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। कठोर अनुष्ठानों का क्या अर्थ? चार नियम का पालन, वैदिक भक्ति का पालन। जो लोग भक्त दीक्षित हैं, जो घर में रहते हैं, उन्हें वैदिक भक्ति का पालन, साधना भक्ति का पालन घर के वातावरण में भी करना चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं आ सकते, क्या चंडीगढ़ में तो आपका भाग्य है कि आप सब मंदिर के निकट ही हो, ज़्यादा दूर नहीं, पर कई व्यक्ति जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, बॉम्बे वगैरह में रहते हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, एक फासले से दूसरे फासले जाने में दो दो घंटे लग जाते हैं, तो वो लोग शायद हफ्ते में एक बार ही मंदिर आ सकते हैं। पर साधना भक्ति का अर्थ क्या है? घर में मूर्ति पूजा करो, मंगल आरती, ये सब चीज़ों करो। तो इन सब चीज़ों का पालन करने से हमें डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सब कठोर अनुष्ठानों के पालन के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण हो जाता है। आप समझे? इन नियमों के पालन से
आप इंद्रियों को वश में ला सकते हो। हम सब भक्तों को गोस्वामी बनना है, गोदासा नहीं रहना। गोदासा उसे कहते हैं जो कि इंद्रियों का दास है, जो इंद्रियों का सेवक है, उसे तो हम कहते हैं गोदासा। इस समय तो हम सब गोदासा हैं। जब आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हो तो आप गोदासा से गोस्वामी बनने का प्रयास कर रहे हो। गोस्वामी का अर्थ ये नहीं कि केवल आप अगर ठीनंद प्राप्त करो तो ही आप गोस्वामी बनोगे, नहीं। जिस आश्रम में हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में इंद्रियों का नियंत्रण करना अवश्य है अगर आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो। हमें भूलना नहीं चाहिए रूप गोस्वामी जी का कहना। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अनादिकाल से प्रयास करना इंद्रियों को संतोष करने के लिए, पर एक इंद्रियां जो हैं सदा बेचैन रहती है। कठोर अनुष्ठानों का पालन करने के द्वारा इंद्रियों पर आप नियंत्रण कर सकते हो। फिर आगे क्या कहा गया है, नियंत्रण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अहिंसक तथा सत्य निष्ठक बने। अहिंसक भक्त जो है चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता। चैतन्य चरितमृत में आप कथा पढ़ते हो शिकारी की, जो कि पशुओं को पहले घायल करता था, फिर उनको देखता था तड़पते हुए, और जब हंसता था, और जब उनकी मृत्यु होती थी तो उनको खा लेता था। इतना पापी था। नारद मुनि जी की संगत के ऐसा असर पड़ा। संगत का बहुत असर पड़ता है। नारद मुनि तो एक मिनट में ही लोगों के जीवन को बदल देते थे। उनका ये पर ऐसा असर पड़ा कि एक चींटी पर भी वो पांव नहीं रखते थे। कदम पर पांव रखने से पहले देखते थे चींटी तो नहीं आए नीचे। हम वैष्णवी जब आप चलते हो सावधानी से चलना चाहिए कि चींटी पर भी पांव नहीं आ जाए, क्योंकि भक्त जो है वो अहिंसक है। ये नहीं कि एक तरफ से हम धर्म को अपनाएं, दूसरी तरफ से गाय का गला काटें या दूसरे जानवरों का गला काटें जबान के चस्के के लिए, ये धर्म नहीं है। प्रभुपाद जी जब पश्चिम देशों में भी प्रचार करते थे और बड़े बड़े क्रिश्चियन पादरी वगैरह आते थे प्रभुपाद को मिलने के लिए, सबसे पहले प्रभुपाद जी कहते थे क्या, जीसस क्राइस्ट सेड थाउ शैल नॉट किल, व्हाई किलिंग एनिमल्स, और इनके पास कोई उत्तर नहीं होता था। तो कपिला देव जी के श्लोक को समझाते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिल्कुल अहिंसक, और आगे सत्यनिष्ठ। सत्य हमारा जो सत्यनिष्ठ होना चाहिए, सच्चाई पर निर्भर रहना चाहिए। भगवत धर्म के चार अवश्य खंभे हैं, सत्यता, दयालुता और तपस्या। उनमें से एक है सत्यनिष्ठ, सत्यता। तो पहला नियम है सत्यता का, भगवान की वाणी को स्वीकार करो यथारूप। भगवान के शब्दों को लेकर बदलो नहीं अपने अशुद्ध विचारों को आगे प्रस्तुत करने के लिए। दूसरा नियम है गुरु के आदेश का पालन करो। तीसरा है उदाहरण है सत्यता का कि एक दूसरे के व्यवहार के, आपके व्यवहार में बिल्कुल सत्यता प्रकट करो। ये नहीं कि आप झूठ झूठ से व्यवहार रखो, गलती भी कर लो तो सत्य रूप से स्वीकार करो। हाँ, मैंने ये अपराध किया है, मैंने दोष किया है, आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये दोष नहीं करूं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे उस गरीब, नहीं वो एक ब्राह्मण लड़का, एक लड़का तो विद्यार्थी था, जिसके क्लास में पूछा था कि आप पता करो कि आप सबके पिता कौन है, पिता का नाम क्या है। जब उसने अपनी माता से पूछा कि मैं अध्यापक ये जानना चाहते हैं कि मेरे पिता का नाम क्या है, तो माता ने कहा बेटा सच बात यह है कि मेरा चरित्र अच्छा नहीं है और मुझे पता नहीं कि कौन है तुम्हारे पिता। उसने वही जाकर अध्यापक को सुना दिया। तो प्रभुपाद ने कहा यह है सत्यता, और इस प्रकार की सत्यता प्रभुपाद जी ने कहा कि हमें इसका
पालन करना चाहिए। तो सत्यनिष्ठ ये बहुत अवश्य है, बिल्कुल सत्य व्यवहार। आगे चोरी ना करना, प्रभुपाद बड़े स्पष्ट रूप से कपिला देव के उपदेश को आगे समझा रहे हैं, कहते हैं चोरी नहीं करना चाहिए। हाँ, चोरी से बचना चाहिए, खास करके पूरा भौतिक दुनिया तो चोरी कर रहा है। हाँ, क्या जैसे कि रावण ने क्या किया, सीता को चुरा कर ले गए। तो सीता की संपत्ति, सीता है भगवान राम के संपत्ति। आज हम लक्ष्मी को चुरा रहे हैं, पर लक्ष्मी का व्यवहारिक स्थान क्या है, नारायण के चरणों में, लक्ष्मी नारायण। आजकल हमारे व्यापारी लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं दिवाली के अवसर पर, हाँ, पर लक्ष्मी नारायण पूजा नहीं करते। लक्ष्मी चाहिए, नारायण नहीं चाहिए, है ना, तो इसलिए वो केवल लक्ष्मी पूजा करते हैं। सबसे पहली चोरी तो ये है, भगवान की संपत्ति को हम अपनी संपत्ति बना रहे हैं। प्राचीन समय में सरकार टैक्स लेती थी, जो आपका उत्पादन होता था उसका 25% टैक्स लेती थी सरकार, और अगर उत्पादन नहीं हुआ, घाटा हुआ, तो कुछ टैक्स नहीं। पर ये जो टैक्स आता था उसका एक पैसा भी, एक कौड़ी भी, पैसा छोड़ो, सरकार अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करती थी। पूरा टैक्स का उपयोग होता था प्रजा के सुख के लिए। ये महाराज प्रीतु का उदाहरण इस विषय पर आप गहराई से भागवत में पढ़ सकते हो। पर आजकल क्या हो, यही विचार देखा जाता है, हाँ? आजकल देखते हो कि एक पैसा भी समाज के स्वार्थ के लिए, शायद दो पैसा आता है बस, जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह, ये जो बड़ी वेलफेयर एजेंसीज है ना, तो आप कभी कभी पढ़ते होगे उन्होंने इतने करोड़ दान दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। तो वो $1 दान भी जब देते हैं, समझो कहाँ अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, तो $1 एक रुपए दान में आगे आदमी के पास 40 पैसा ही पहुंचता है, 60 पैसा खर्च हो जाता है उनके प्रतिनिधियों की तनख्वाह में, 5-star होटल रहने में, हवाई जहाज की टिकटों में वगैरह। तो दुनिया को तो दिखाएंगे हमने इन्हें 10 करोड़ दान दे दिया, पर प्रजा पर पहुंचता है क्या, 2-3 करोड़। तो ये तो है बड़ी चोरी। एक समय अलेक्जेंडर को क्या हिंदी है, सिकंदर बहुत बड़ा राजा था। तो उसके सामने एक चोर आया, तो उसने, सिकंदर ने चोर से पूछा, बोलो क्या सजा तुम्हें मिलनी चाहिए, तुम बोलो क्या सजा। तो चोर ने कहा, जो सजा आपको लगे ठीक दे दो, आप में और मेरे में अंतर यह है, आप बड़े चोर हो, मैं छोटा चोर हूं, आप पूरे देशों की चोरी कर लेते हो और मैं थोड़ा खीरा चोरी करता हूं, थोड़ी सब्जी वगैरह चोरी करता हूं, पर आप दो चोर तो दोनों हैं, आप ये जानते हुए जो सजा आप देना चाहते हो दे दो। तो प्रभुपाद जी ने ये उदाहरण दिया था कि वो ही है समाज की स्थिति, कोई बड़ा चोर है, कोई छोटा चोर है। सबसे पहली चोरी तो ये है कि हम भगवान की संपत्ति को अपना समझते हुए अपने जेब में डाल रहे हैं, ये है सबसे बड़ी चोरी। तो भक्तों को, खास करके भक्त जो ये समझते हैं क्या कि हर चीज के स्वामी भगवान है, खास करके जब हम मंदिर में रहते हैं, हम भगवान की संपत्ति को देखते हैं, तो उसका दुरुपयोग भी नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी एक समय सैर कर रहे थे भक्तों के साथ, तो उन्होंने देखा कि किसी कर्मी के बगीचे में पानी बह रहा है। कर्म भक्त का घर नहीं था, किसी कर्मी का घर था। प्रभुपाद जी अंदर गए बिना पूछे और उन्होंने नलका बंद कर दिया। तो भक्त आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये प्रभुपाद जी किसी कर्मी के घर में चले गए। प्रभुपाद ने कहा, दिस इज वेस्टिंग कृष्णा एनर्जी, ये पानी भी भगवान की एनर्जी है, वो दुरुपयोग हो रहा है। तो भक्त जो है ये मानता है कि ये सब भगवान की शक्ति है। खास करके जब हम भगवान की संपत्ति को देखें, उसका हमें बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि लोग चंदा देते हैं, दान देते हैं, इस भावना से कि आप आगे उसको भगवान की सेवा में उपयोग करोगे।
तो भगवान की संपत्ति बहुत सावधानी से हमें उपयोग करना चाहिए। अगर हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये मत भूलो 1000 गुना आपको दंड भुगतना पड़ेगा बाद में। तो इसलिए बड़े सावधानी से चलना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य, विषय जीवन से दूर रहो। हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं क्यों? हम विषय जीवन से दूर रहना चाहते हैं। 10वां नाम अपराध क्या है? भगवान का नाम भी ले रहे हैं और विषय जीवन की बिताने की भी भावना रख रहे हैं, यह संभव है। तरफ से अब आग जलाना चाहते हो, दूसरी तरफ से पानी फेंक रहे हो। एक तरफ से आग बुझाना चाहते हो भौतिक आग, ऊपर से घी डाल रहे हो। भौतिक आग भी बुझाना चाहते हो और ऊपर से घी डाल रहे हो, तो आग कहां बुझेगी? तो विषय जीवन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि विषय जीवन, विषय विषय विचार, वातावरण, विषय चर्चा, ये सब आध्यात्मिक जीवन को कमजोर बना देती है। इसलिए विषय जीवन से हमें दूर रहना चाहिए। आगे क्या? और जीवन निवाय के लिए कम से कम आवश्यक वस्तुओं को रखो। तो ये है सरलता जीवन का, कि कम से कम आवश्यकताओं की को रखने का प्रयास करें, अधिक नहीं। भक्त हैं तो चलो एक टेप रिकॉर्डर रख लिया टेप सुनने के लिए बस, ये नहीं 4 टेप रिकॉर्डर चाहिए। ब्रह्मचारी हो थोड़े कपड़े रखो जितने आवश्यक, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। सो जो गृहस्थ हो सादा जीवन बिताओ, ये नहीं कि दुनियादारी को दिखाना है कि हम बहुत धनी हैं। नहीं, अरे उन सब चीज़ों के पीछे जाओगे तो आपका आध्यात्मिक जीवन ही खत्म हो जाएगा। सादा जीवन, आवश्यकताओं से अधिक नहीं, चाहे आप गृहस्थ हो ब्रह्मचारी हो किसी स्थिति में भी। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप वृक्ष के नीचे सो, पर यह है कि शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का उपदेश है कि हमारा जो जीवन है वो सादा होना चाहिए। और आगे क्या? न आवश्यक से अधिक साथ समाज एकत्र करे, सामान्य व्यक्तियों से वित्तीय वातावरण न करे और बिना किसी उद्देश्य के विधि विधानों का पालन न करे। रूप गोस्वामी जी इस विषय की चर्चा करते हैं, कहते हैं नियमाग्रह, ये जो विधि विधान है इनका पालन करते हैं हम इस विचार के साथ कि इन विधि विधानों का पालन करके हम पवित्र बनेंगे। नाम के लिए विधि विधान का पालन करने का इतना अधिक लाभ नहीं है, आप समझे ना। विधि विधान का पालन किसी स्थिति में भी करो, लाभ तो जरूर पहुंचेगा। पर रूपक गोस्वामी जी का कहना है कि विधि विधानों का जो पालन है इनका लाभ क्या है वो समझकर करना चाहिए। जैसे सोते सुबह के समय, प्रातः काल के समय, इंद्रिया तो कहती है आप सो जाओ और सो जाओ, पर आध्यात्मिक बुद्धि कहती नहीं नहीं जागो जागो जागो, सुबह का समय जाप के लिए सबसे बेहतर है। क्यों हम सुबह जाप करते हैं? सुबह बुद्धि तेज रहती है, सुबह आप शांति से जाप कर सकते हो और जितने शांति से जाप करोगे उसका आपको अधिक लाभ मिलेगा। तो ये जो विधि विधान है, 16 माला का जाप क्यों करते हैं, क्यों हम कहते हैं कि सावधानी से करो, क्योंकि जितने सावधानी से करेंगे उतना अधिक हम भगवान का स्मरण कर सकेंगे, जितना हम अधिक स्मरण कर सकेंगे उतना ही अधिक हम जल्दी, उतनी जल्दी हमारी भौतिक रोग पीड़ा को हम दूर कर सकेंगे। फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं मनुष्य को गर्व नहीं रखना चाहिए, गर्व नहीं रखना चाहिए, अहंकार। अहंकार विमुदात्मा कर्तम इति मन्यते, गीता में भगवान कहते हैं अहंकार के कारण व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही हर चीज का कार्य हूं, मैं ही सफलता का कार्य हूं वगैरह। पर जो भक्त है उसे गौरव नहीं रखना चाहिए और न अन्यों से व्यर्थ का सम्मान कराना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती आप लोगों को कहो मुझे ये इज्जत दो, इतना आदर दो, मुझे इतना कोटा चाहिए आदर का, नहीं। पर इसका ये मतलब भी नहीं कि आप आदर नहीं दो। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो ये कहा है हरे को आदर दो बिना किसी उम्मीद के, ठीक है ना। यह है चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश हमारे व्यवहार के लिए, सबको आदर दो बिना किसी उम्मीद के। पर जो भक्त है
वो ये नहीं कहता कि तुमको जबरदस्ती मुझे आदर देना चाहिए, पर इसका ये अर्थ में नहीं, इसका दुरुपयोग मत करना कि भक्त को तो आदर नहीं चाहता, हम तुमको आदर क्यों दें। तो आदर दे, पर भक्त को ये आदर की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए या ये मांगना नहीं चाहिए कि तुम्हें मुझे इतना आदर देना चाहिए वगैरह। आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, बिल्कुल सहनशील होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। इस विषय में चैतन्य महाप्रभु का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तेनादपि सुनिचे न, उदाहरण के लिए। फिर आगे कहते हैं, गुरु को स्वीकार करना चाहिए। गुरु को स्वीकार करने के विषय में भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे पहले गुरु स्वीकार कर। पर गुरु स्वीकार करने से केवल वो अंत नहीं है, वो तो पहला कदम है गुरु स्वीकार करना। आगे गुरु से पूछो, ये जिज्ञासा करो, क्या हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन को हम सफल कैसे बना सकते, ये भी अंत नहीं है। जिज्ञासा करो, केवल गुरु स्वीकार करना, जिज्ञासा करना, इससे काम खत्म नहीं हुआ। आगे सेवा करो, सेवा। तो गुरु की हम सेवा करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें कहा, इस्कॉन इज माई बॉडी, उन्होंने कहा इस्कॉन संस्था जो है वो मेरा शरीर है। गुरु क्या कहता है, मंदिर की सेवा करो, संस्था की सेवा करो, तो सेवा हमें करनी चाहिए। गुरु ग्रहण करने का लाभ केवल जब है जब अंत में हम शरणागत होना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। भारत में कई लोगों का यह विचार रहता है, गुरु स्वीकार कर लिया और साल में एक दफा जिज्ञासा कुछ पूछ लिया, बस काम खत्म, अभी भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। नहीं, रूप गोस्वामी जी बड़े स्पष्ट रूप से भक्ति रसामृत सिंधु में समझाते हैं, पहले कहते हैं गुरु को स्वीकार करो, दूसरा जिज्ञासा करो, फिर सेवा करो। तो सेवा जो है, सेवा के द्वारा हम ये दिखाते हैं क्या कि हम भगवान के उपदेश का पालन करने को तैयार हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.